हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईवे क्लासेस। और हम आज जो बात करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए, जो कि हम लोग चला रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतनी हम लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और एक आइडिया हो जाता है हम लोगों को, ठीक है। इस आइडिया से ये पता चलता है आप क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चीज का आइडिया जो होता है बेटर होता है। तो हम लोग देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु से, ठीक है, बिंदु से बात करने वाले हम लोग जो भी क्वेश्चन रहेंगे बिंदु से रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इससे हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें विद्युत की, ठीक है, तो विद्युत की अगर हम लोग बात करें तो विद्युत जो यहाँ पे विद्युत है क्या, विद्युत जैसे नाम से ही पता चलता है कुछ आकर्षित होने का हो, ठीक है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि एक बात की बात है कि यूनान में एक दार्शनिक थे जो कि 600 ईसा पूर्व की बात है, 600 BC की बात है। उन्होंने अमर नामक एक वस्तु थी, उस वस्तु को भेड़ की खाल से, बिल्ली की खाल से उन्होंने रगड़ा, तो क्या हुआ कि एक ऐसा गुण उत्पन्न हुआ जो आकर्षित करने का गुण, ठीक है, जो उनसे क्या होता था कि जब उन्होंने बिल्ली की खाल से इस अंबर नाम के वस्तु को रगड़ा तो क्या हुआ कि उसे आकर्षित होने का गुण उत्पन्न हुआ। जो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ उसे आज हम लोग क्या कहते हैं, आवेश के परिवेश में बात करते हैं, ठीक है, जो आकर्षित करने का गुण था बिंदु से। तो आज हम लोग देना करते हैं पहला क्वेश्चन जो शार्प करते हैं, पहला क्वेश्चन शार्प का है, तो ये था लगभग बिंदु से जो आवेश था, इलेक्ट्रिक चार्ज था, तो कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, इसमें बात करनी है आपको, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं। आपके ऑप्शंस हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या निकेल, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। चूंकि क्या होता है कि आकर्षित का गुण जो गुण होता है एल्यूमिनियम निकेल टंगस्टन के साथ में, तो क्या ये सुचालक, ठीक है, ये सुचालक, लेकिन चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं आपकी, ये सुचालक नहीं होगा। इसके बावजूद भी अन्य कौन कौन सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे सुचालक की बात करें, सुचालक की बात करें, और दो होते हैं सुचालक और कुचालक, ठीक है। तो आपका जैसे चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ठीक है, एक्सेट्रा, लकड़ी, रबर, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कुचालक हैं और सुचालक। सुचालक का मतलब ये होता है कि एक समान आवेश, ठीक, वो प्रवाहित होता है। इससे क्या होता है कि जो आवेश, जैसे चांदी या लोहा, तो इसमें क्या होता है कि जो आवेश होता है वो लगातार प्रवाहित होता रहता है, लेकिन लकड़ी में ये आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपकी कुचालक वस्तुएं हो जाती हैं और ये आपकी सुचालक वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इतनी बात समझ में आगे हो गया आप लोगों को कि सुचालक और कुचालक वस्तुएं क्या होती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ठीक है, चांदी, चांदी, तांबा, सोना और आपका एल्यूमिनियम, ये आपको बताना है कैसी धातुएं, ये सभी विद्युत रोधी हैं, अर्थ है आपका ये सभी विद्युत रोधी हैं, या फिर ये सभी कीमती धातुएं हैं, ठीक है, या फिर ये सभी अच्छे सुचालक हैं, या फिर आपका आंसर हो जाएगा कोई समानता नहीं है। देखिए, जो ये धातुएं हैं आपकी चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये कैसी धातुएं, ये आपकी कैसी हैं, सुचालक धातु कहलाती है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है आवेश होता है वो प्रवाहित होता रहता है,
कैसी धातुएं हो जाएंगी, सुचालक धातुएं हो जाएंगी, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो विद्युत आवेश होता है वो सरलता से प्रवाहित होता रहता है। और इसके अलावा अन्य भी आपके हैं जो सुचालक की बात करें तो जैसे अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, पानी, मानव शरीर आदि क्या है कि ये आपके सुचालक, ठीक है, आदि सुचालक की श्रेणी में आ जाते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, पानी और मानव शरीर, ठीक है, तो ये आपके सुचालक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री नंबर, एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप कहा जाता है, ठीक है, जिसे आईसी चिप कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह जो किससे बना होता है आपको बताना है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या हो जाएगा बताएं। देखो जो एकीकृत परिपथ होता है जिसमें आईसी चिप लगी होती है वो आपको आईसी चिप बता रहा है किससे बनी होती है, ठीक है, आपके आंसर्स हैं कॉपर, सिलिकॉन, सिलिका या क्रोमियम। देखो जो आईसी चिप बनी होती है ना वो किससे बनी होती है आपकी, ऐसे चिप सिलिकॉन की बनी होती है, किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन जो है हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। अगर ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, जो ऑक्सीजन होता है वो कितना पाया जाता है, 46.60 पाया जाता है। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन कितना पाया जाता है आपका, 27.72% पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा पाई जाती है, 8.13% पाई जाती है। इसके बाद आपका एफी यानी लोहा, लोहे की मात्रा कितनी होती है, 5% पाई जाती है। और इसके अलावा आपके जो सबसे कम जिसे बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 0.10%, ठीक है, इतनी मात्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट थे जो मैंने डिस्कस किया, जैसे O2 की बात करें 46.60 और आपका सिलिकॉन की बात करें 27.72% और एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.1813% पाया जाता है। और दूसरा है आपका Fe यानी आयरन, आयरन कितना पाया जाता है, आयरन जो है 5% पाया जाता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो कितना पाया जाता है, 0.10% पाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिलिकॉन की यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, सिलिकॉन की यूजेस की बात करें तो उनका यूजेज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं आपके, शीशे होते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शीशे हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है सिलिकॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा कितनी होगी, आपको कुल धारा बतानी है, ठीक है। आप ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपका ए दे रखा है बढ़ती है, बी ऑप्शन है आपका घट जाती है, या सी ऑप्शन है समान रहती है, या थर्ड ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन अनंत रहती है। क्योंकि हमें पता है कि जो परिपथ में धारा बह रही है आपको बताना है, ठीक है, तो क्या होती है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगी, ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा घट जाएगी, जो इसका सही आंसर है वो आपका बी आंसर है, क्या होगा, बी आंसर है। क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज जो होता है हमारा, वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज बराबर आई आर होता है, ठीक है, आई आर होता है वोल्टेज बराबर, अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, बी अपान आर हो जाता है, ठीक है, धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपान R हो जाता है। देखो जो V आपका रिप्रेजेंट करता है किसे करेगा, वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को। देखो जो V है जिसे हम यहां से देख लेते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज होता है आपका, I क्या होती है आपकी धारा रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और R क्या होता है आपका इसे रिप्रेजेंट करता है प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है,
तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपकी, जो धारा है वो विद्युत परिपथ में वो धारा घट जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, क्या होगा, अगर वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। देखो वोल्टेज को यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए, समझ लो मेरी बात। वोल्टेज को अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्रतिरोध होगा आपका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। ओके, यानी वोल्टेज अगर कांस्टेंट है आपका तो आई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन आर का मान जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो आपको सही आंसर देना होगा। सही आंसर क्या है आपका, विभवांतर कहलाता है, धारा कहलाता है, या फिर शक्ति कहलाता है, या प्रतिरोध कहलाता है। देखो प्रश्न है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य, माना कोई विद्युत सर्किट है आपका ए और बी, ठीक है, तो इन दो बिंदुओं के मध्य का आवेश जो स्थानांतरण का काम हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाता है आपको, विभवांतर कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर दो कोई सर्किट है आपके, कोई दो बिंदु है सर्किट में ए और बी, तो उनके मध्य जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा क्या कहलाती है आपकी, विभवांतर कहलाती है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ए आंसर सही आंसर होगा इसका। ओके, होता क्या है इसमें कि यहाँ से एक विद्युत सर्किट है वहां, तो यहाँ से जो विद्युत आवेश चलाया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उसका जो कुल काम होगा, ठीक है, कुल कार्य यहाँ पे भीतर करता है, तो ये जो समान मात्रा उसकी कुल कार्य की रहती है वही क्या होती है, इक्वल किसकी होगी, विभवांतर के इक्वल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो बिजली की जो करंट का पता लगाने है, ठीक है, सर्किट में, तो जो सर्किट है हमारा, माना कोई सर्किट है, तो इसमें सर्किट में कोई प्रवाह यानी धारा प्रवाहित हो रही, तो इस धारा का जो हमें पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके आंसर हो जाएंगे। पहला आंसर क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर। बी आपका आंसर है एनीमोमीटर। और सी आपका आंसर है बैरोमीटर। और डी आपका आंसर है लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का जो यूज होता है यहाँ पे, जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी हम पिक देखते हैं तो इस टाइप में गैल्वेनोमीटर बनता है, इस टाइप में होता है, यहाँ पे आवेश आपके प्लस माइनस होते हैं और यहाँ पे माइक्रो में, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे ये रीडिंग होती है, किस टाइप में हल्का सा बना होता है, ठीक है। तो इसे क्या माप सकते हैं हम लोग, धारा का मान जो होता है, करंट होती है हमारी प्रवाह, सर्किट में बिजली के प्रवाह की जो धारा होती है, ठीक है, उस धारा को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, जो क्लियर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैरोमीटर की, बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव को मापता है। लैक्टोमीटर की बात करें, लैक्टोमीटर क्या माप करता है, दूध के घनत्व को मापता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सन 1902 ईस्वी में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत
ती एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। आपको ये बताना है जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, देखो चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, विलिस कैरियर दे रखा है, वी आपका जानकारी दे रखा है, और थर्ड आपका है स्टुअर्ट कैनन दे रखा है, फोर्थ आपका है एच आर सूज दे रखा है, ठीक है, एच आर सूज दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका विलिस कैरियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर विलिस, विलिस कैरियर हो जाएगा आपका सही आंसर। और इसकी खोज कब की थी, 1902 ईस्वी में की थी। और इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता भी कहा जाता है, किसका, इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है, विलियस यानी विलिस कैरियर को आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है, ठीक है, कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है। तो ये किसके फादर है, आधुनिक ये कंडीशनिंग की ये फादर है कौन, विलिस कैरियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, आपको ये बताना है, बिजली का जो सेल है आपका इसमें टर्मिनल बताना है कितने टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितने में, 3 होंगे या फिर 4 या फिर 1 होगा या फिर 2 हो जाएगा। देखो जो बिजली होता है, ठीक है, इसमें एक माना कि एक डिवाइस होती है, जो इसका सही आंसर होगा, पहले सही आंसर को देख लेते हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही आंसर क्या है, डी है, यानी जो हमारे विद्युत आवेश हो जाएंगे यानी जो टर्मिनल हो जाएंगे वो कितने होंगे, आपके 2 टर्मिनल होंगे, ओके। देखो ऐसा होता है ना कि अगर हम बात करें इसकी, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है, विद्युत टर्मिनल एक ऐसी डिवाइस है जो धारा के मान को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और टर्मिनल जुड़े होते हैं, ठीक है, एक टर्मिनल जो होता है आपका प्लस होता है यानी पॉजिटिव होता है, जो दूसरा टर्मिनल होता है वो आपका माइनस यानी ऋणात्मक यानी होता है, और पहला होगा धनात्मक और दूसरा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, आपको ये बताना है कि जो लाइट होती है, लाइट बल्ब होता है जो उसका आपका होता है, यानी बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्लैटिनम हो जाएगा या टैंटलम हो जाएगा या फिर टंगस्टन हो जाएगा या एंटीमनी हो जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा, सॉरी और टंगस्टन इसका जो सही आंसर होगा कौन सा, टंगस्टन सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें जब जो भी बल्ब होता है उसमें आर्गन न्यून गैसें भरी होती हैं, और जो भी इसमें क्या होता है कि आपका आवेश चार्ज प्रवाहित होता है और वो टंगस्टन धातु को गर्म कर देता है, ठीक है। टंगस्टन धातु को गर्म जब करेगा तो उसमें इससे क्या होगा, उद्दीप्त है आपकी, उद्दीप्त यानी प्रकाशित होती है, और यही उद्दीप्त क्या होता है, प्रकाश फैलाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, टंगस्टन धातु हो जाएगा, जो फिलामेंट तार होता है वो क्या आपका होता है, किस धातु का होता है, टंगस्टन धातु का होता है, ठीक है। अगर इसकी गलनांक और इसके घुटनांक की बात करें तो इसका गलनांक कितना होता है भाई बताएं, इसका गलनांक जो होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर टंगस्टन धातु की टंगस्टन की बात कर रहे हैं हम लोग, टंगस्टन का गलनांक जो होता है, ठीक है, आपको गलनांक बताना है, गलनांक कितना हो जाएगा, गलनांक होता है आपका 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक आपको बताना है, क्वथनांक कितना होता है, 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो आपका क्या गलनांक की अगर पूछा जा रहा है, टंगस्टन का गलनांक कितना है, तो 3422 हो जाएगा। क्वथनांक पूछ रहा है तो क्वथनांक कितना हो जाएगा, 5555 हो जाएगा। अगर हम बात करें टंगस्टन के खोजकर्ता की, टंगस्टन के जो खोजकर्ता थे उनका नाम क्या था, उनका नाम जो था टॉट बर्न बर्गमैन, ठीक है। जो टंगस्टन की खोजकर्ता की बात करें, खोजकर्ता कौन है, टॉट बर्न
ठीक है, ट्रॉनबर्न, ट्रॉनबर्न आप कहते, उनका पूरा नाम था ट्रॉनबर्न बर्गमैन, ठीक है, बर्गमैन का पूरा नाम था। और इसकी खोज कब की थी इन्होंने, इसकी खोज जो की थी 1781 में की थी, इसकी खोज कब के 1781 में इसकी खोज की थी, इसकी टंगस्टन धातु की, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर होगा, हाँ टंगस्टन धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वे बेटर डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। आपको यह बताना है, देखा होगा कि अक्सर जो आपके हवाई अड्डे पर लगे होते हैं, रेलवे ट्रैक पे, जो रेलवे पे लगे होते हैं, बस अड्डों पे लगे होते हैं, तो क्या होता है डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मेटल डिटेक्टर होते हैं ना, मेटल डिटेक्टर जो होते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनका जो यूजेज होता है वो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके हवाई जहाज जो होते हैं जहाँ करते हैं वहाँ पे क्या होता है मेटल डिटेक्टर, आपके रेलवे पे लगे होते हैं और आपके सड़कों पे लगे होते हैं, तो वहाँ पे किसी धातु का पता लगाना है कि हम लोग क्यों किसी अन्य ऐसे धातु का यूज नहीं कर रहे या ले नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, जो जिसका वहाँ पे जो यूज है प्रयोग है जो वांछनीय है, ठीक है, वहाँ ले देना वांछनीय है, तो ये चीज़ें हम आप नहीं ले जा सकते मेटल को, तो इस चीज़ों का किसका प्रयोग करते हैं, मेटल डिटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, और ये किस नियम के अनुसार है, ये आपका है फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है, फैराडे के नियम के अनुसार, ये नियम पूछ रहा है, तो आपका नियम कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका फैराडे, फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है, फैराडे के नियम के अनुसार। मेटल डिटेक्टर की बात कर रहे थे, मेटल डिटेक्टर का यूज कहाँ होता है, तो आपको मुझे जानते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है आपका, एयरपोर्ट, रेलवे, सिनेमा घर, मेट्रो स्टेशन आदि सामान की जांच करने के लिए मेटल डिटेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली की मोटर, जो बिजली की मोटर होती है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत मोटर की, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बिजली के मोटर की, सॉरी बिजली के मोटर की बात कर रहे हैं हम लोग, बिजली की मोटर जो होती है ये क्या करती है, बिजली की मोटर, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या फिर सेकंड ऑप्शन है बी तापी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या थर्ड ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, बिजली की मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर सही, सी आंसर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको यह बताना है कि ऐसा उपकरण कौन सा है जो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो आपको यह बताना है, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम एक चीज की बात करें, जो ऊर्जा है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के संदर्भ में बात करें थोड़ी सी, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, या क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, अगर हाँ ऊर्जा का एक रूप में लुप्त प्राय हो रहा है, ठीक है, एक वस्तु में लुप्त प्राय हो रहा है तो वह निश्चित ही दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, और ऑल वर्ल्ड में इसका जो मान रहता है, कांस्टेंट रहता है, सभी जगह इसका मान कैसा है, नियत रहता है, ओके। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला क्या है आपका, ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, या फिर
आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका बैटरी आंसर, इसका भी आपका आंसर हो जाएगा। बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। आपका आंसर कौन सा है, बी आपका सही आंसर है। देखो अगर हम बात करें बैटरियों की, ठीक है, जो बैटरी हमारी होती है, जो बैटरी हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है बैटरी आपकी। कौन कौन सी, एक तो धनात्मक, धनात्मक आवेश होगा जिससे, ठीक है, धनात्मक आवेश। दूसरा आपका ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, मैग्नेटिक, और ये तीन प्रकार की बैटरियां पाई जाती हैं। ये बैटरियां क्या करती हैं, जो धनात्मक होती हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड आवेश होते हैं, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइट, तीसरी बैटरी। तो ये क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को भंडारित कर देती है, फिर वो विद्युत ऊर्जा में उन्हें कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। यानी तीन प्रकार की बैटरी होती है, धनात्मक ऋणात्मक और इलेक्ट्रोड। यानी रासायनिक ऊर्जा को पहले भंडारित करती है, दूसरी वो क्या करते हैं कि आपको विद्युत आवेश में यानी विद्युत ऊर्जा में इन्हें कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, ये आपको बताना है, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, ठीक है। आपके आंसर्स हैं कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर या फिर फिल्टर हो जाएगा। देखो एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी, एसी टू डीसी को बदलने के लिए, अगर हम बात करें एसी की, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट होता है। और डीसी की बात करें, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट। हिंदी में अल्टरनेटिव करंट को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और आपकी डायरेक्ट ये डिस्ट, ठीक है, डिस्ट धारा कही जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव, यानी डीसी को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं और डीसी को आपको क्या कहते हैं, डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो प्रत्यावर्ती एसी होती है आपकी, रेक्टिफायर, इसमें डिस्चार्ज की बात कर रहा है कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, आपको ये बताना है। तो एसी जो डिस्चार्ज यानी हो जाएगा आपका रेक्टिफायर हो जाएगा, आपका बी आपका आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, एसी को किसमें बदलती है, डीसी में बदलने का काम करती है। और एसी से क्या है, डीसी परावर्तक है, एसी को क्या है, एसी डीसी, एसी से डीसी को में बदलने के लिए क्या है, परावर्तक का काम करती है, ठीक है। अगर हम बात करें डीसी को एसी में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, देखो एसी को अभी तक हम बात कर रहे थे एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, अब हम बात कर रहे हैं हम लोग डीसी से एसी में बदलने के लिए। डीसी से एसी को एसी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, बताएं भाई, एसी से डीसी से एसी में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं, किसका, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर का यूज करते हैं, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसी क्या है, कि आपकी अल्टरनेटिव करंट है यानी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, डीसी क्या है आपकी यानी डायरेक्ट करंट होती है यानी डिस्ट धारा के नाम से जानी जाती है। इन्वर्टर का काम क्या होता है कि आपको डीसी से एसी में बदल के देता है, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो एसी से डीसी में परावर्तित करता है, ठीक है, परावर्तक का काम।